बीते दिन 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी पकड़ा गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पुलिस थाना जने उप थाना गढ़ी में तनाव की स्थिति। ग्रामीणों ने घेरा चौकी, आरोपी को सौंपने की मांग की। इलाके की सैकड़ों लड़कियों ने पुलिस चौकी में दिया धरना। बनी तनाव की स्थिति। बीते दिन 12 साल की लड़की के साथ इलाके के ही एक लड़के ने दुष्कर्म की वारदात को दिया था अंजाम। आज गढ़ी चौकी प्रभारी राहुल सोनकर ने युवक को 8 घंटे के अंदर पकड़ लिया। बीते दिनों उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए गढ़ी थाना की रहने वाली एक 12 साल की मासूम लड़की के साथ स्थानीय युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। जब वह लड़की एक मासूम बच्चे के साथ सुबह सवेरे निकली थी स्कूल के लिए, परीक्षा देके लौटते समय रास्ते में उसे मोटरसाइकिल सवार मिला। उस मोटरसाइकिल में 2 लोग सवार थे। उन्होंने बच्ची से पूछा, किस गांव जाना है, चलो तुमको छोड़ देता हूँ। बच्ची उनके साथ मोटरसाइकिल में बैठ गई। थोड़ी दूर जाने पर चंद्रपुर चौराहे के पास एक युवक मोटरसाइकिल से उतर गया। दूसरा युवक लड़की को लेकर आगे की ओर बढ़ गया और सुनसान जगह ले जाकर उसने लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और मौके से भाग गया। आसपास के लोगों ने लड़की को सड़क पर भटकते देखा और उनमें से कुछ लोग लड़की को पहचानते थे। तत्काल की घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। परिजन लड़की को लेकर पुलिस के पास गए। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर तत्काल मामला दर्ज किया। शनिवार की सुबह पुलिस लड़की का मेडिकल करने के लिए रीवा लेकर आई। वहीं दूसरी ओर इलाके के लोगों ने युवक का पता लगाया और उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस बात की जानकारी जैसे ही इलाके में फैली, तमाम लोग चौकी में पहुंच गए और युवक को सौंपने की मांग करने लगे। इसी दौरान स्कूल की बच्चियां भी चौकी पर पहुंच गईं और धरने पर बैठ गईं। गुस्साई भीड़ ने मौके पर एसपी कलेक्टर को बुलाने की मांग भी की। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। ये कल बच्ची अपने स्कूल से लौट रही थी और उसके साथ एक अन्य बच्चा जो उसी पड़ोस का था वो भी साथ में जा रहा था, और रास्ते में इसको ये एक जो आरोपी है ये मिला था और इसने ये कहा था कि मैं तुम्हारे गांव का ही मेरी ससुराल है, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। और उसको फिर बिना उसकी मर्जी के ले जाके और फिर एक सुनसान एरिया में उसके साथ गलत काम किया था, जिसकी रिपोर्ट कल देर रात थाने पे परिजनों ने लिखाई थी 11-12 बजे, और जिसके आधार पे इसमें हमने 376 पॉक्सो एक्ट 363 के मामला इसमें दर्ज किया है और बच्ची का इलाज के लिए यहाँ पे हमने हॉस्पिटल में और यहाँ से फिर मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। बच्ची स्टेबल है, डॉक्टर से भी बातचीत हो गई, मैं परिजनों से मिल के आया हूँ, बच्ची स्टेबल है और ठीक है और जल्द ही 2-3 दिन के अंदर उसको यहाँ से डिस्चार्ज भी किया जाएगा। और जहाँ तक आरोपी की बात है, उसको उसके लिए कल से ही टीम लगातार रात भर पूरी लगी रही है और जिसके आधार पर उसको चिन्हित करके और संदेही को चौकी गढ़ी में लाए गए, उसे पूछताछ अभी चल रही है। परिजन द्वारा थाने का घेराव किया गया है। परिजन का कुछ गांव वासियों और जो साथ के हैं उन लोग के द्वारा उस चौकी में जहाँ पे जो संदेही को लाया गया था वहाँ का उन्होंने घेराव किया है और उनका 2-3 मांगे थी जिसके बारे में हमने बताया कि सारी चीज़ें अवैधानिक है। उनका कहना था कि आरोपी को उनको सुपुर्द कर दिया जाए, जिसके बारे में उनको समझाई दी गई कि इस प्रकार से ये संविधान के विपरीत है, और दूसरा उनकी कुछ अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था, रोड और अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था, तो सारी चीज़ों का उनको समझाइश दी गई है और उनको ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ हम जो भी कठोर उसमें हम अवैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं कठोरतम दंड दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उसको जल्द से जल्द उसका केस लगा के और कोर्ट से उसको सजा दिलाएंगे। सर, चौकी मौजूद जो भी आक्रोशित भीड़ मौजूद थी वहाँ पे अवैधानिक करने पड़े कंट्रोल करने के लिए? नहीं नहीं, भीड़ जरूर आक्रोशित थी लेकिन काफ़ी समझाइश के बाद और पुलिस के कड़े रुख के बाद उसको वो बाहर निकल आई, हवाई फाई की जरूरत नहीं पड़ी। एक आरोपी है इसमें जी, बच्ची 11 से 12 साल की। बच्चा ठीक है, बच्चे से भी हमको काफी मदद मिली है आरोपी तक पहुंचने में, बच्चा ठीक है। आरोपी उसी क्षेत्र का, गढ़ी चौकी क्षेत्र का रहने वाला है। अभी तक कितने आरोपी हैं सर? जो मुख्य आरोपी यह है जिसका नाम अंजनी केवट है, संदेही है, और इसके साथ लेकिन इस घटनाक्रम में नहीं, लेकिन जब बच्ची को उन्होंने बैठाया था तो उसके साथ एक अन्य व्यक्ति है जिसके बारे में पूछताछ भी चल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।